हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके सामने ब्राइडल मेकअप करके दिखाने वाली हूँ और मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और किस तरीके से यूज़ किए हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत करिएगा कि आपने बोल बोल के मैम बताया नहीं। मेकअप करते टाइम बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, एक एक सामान को बताने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग इनका मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ब्राइडल मेकअप मिलते हैं आपसे मेकअप के टाइम पे। तो देखिए, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उसका सारा लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरीके से ब्राइडल की पूरी तैयारी करके रखनी पड़ती है जिस टाइम पे हमें ब्राइडल करनी होती है। तो देखने में तो बहुत ईजी लगता है, ये एयर ब्रश है, इसको भी मैं आज इस्तेमाल करूँगी। बट इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से एयर ब्रश की करके दिखाऊँगी बेस तैयार करके। बट आज जो मैं उनके साथ में करूँगी वो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। बाकी सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता दूँगी कि आप लोगों को कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं। तो देखिए, ये हमारी पूरी तैयारी है ब्राइडल के लिए। काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ती है बट मैं आपको बता दूंगी सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारी ब्राइड है, आप देख सकते हैं इनका फेस। काफ़ी इनके स्किन पे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, काफ़ी दाग धब्बे हैं। मेरे से काफ़ी रिक्वेस्ट इस चीज़ की भी आई थी कि आप इन्हीं के फेस पे बताइए। तो देखिए, मैं मेकअप इन मोर का प्राइमर ले रही हूँ। अभी मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा सामान सारा दिखाती रहूँगी एंड टू एंड। तो ये मेकअप इन मोर का मैं प्राइमर ले रही हूँ और अब मैं इनके साथ में CTM हमने इनका कर लिया था और उसके बाद अब हम लोग इनके प्राइमर लगाएंगे। बाय बाय। देखिए, ये 303 है क्रायलोन का, इसी से मैं इनके जो पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, हम लोग चाहे ब्राइड हो चाहे नॉर्मल मेकअप हो, हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इनके ये लगा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से हम इनके 303 लगा देंगे और स्किन को इनकी मर्ज कर देंगे इस तरीके से। देखिए, ये सारा प्रोडक्ट हम इनकी स्किन में, इससे क्या होगा, इनकी जो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो जाएगी और बिल्कुल भी इनके दाग धब्बे ज़्यादा दिखेंगे नहीं। आप देख सकते हैं एक कोट लगाने से भी कितना अच्छा हो गया है। देखिए, अब जो सेकंड हम स्टार्ट करेंगे वो है क्रायलोन का FX22। ये मैं इनके लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये इनकी जो मुझे चाहिए इनका ब्राइडल का, क्योंकि हमें काफ़ी ब्राइट में चाहिए होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इनके यूज़ करूँगी और देखिए इसको बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करना है। ब्यूटी ब्लेंडर से ही करें, ब्यूटी ब्लेंडर से करने से क्या होता है आपकी स्किन बहुत अच्छे से मतलब इवन आती है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये एयर ब्रश मशीन होती है और ये इसमें डालने के प्रोडक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं MFA34 है ये नंबर जो इनकी कलर शेड पे जाएगा और ये जो इसके अंदर ब्लेंडर मिलाने वाला आता है वो इस तरीके से मिलेगा। तो हम लोग देखिए इसके मशीन के अंदर 6 ड्रॉप डालेंगे। देखिए, इस तरीके से 6 ड्रॉप डालेंगे इसकी और 2 ड्रॉप डालेंगे इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके ब्रश से कोट लगाना स्टार्ट करेंगे और हमने इनके देखिए बस 2 ड्रॉप हम इसकी डालेंगे और उसके बाद हम ये एयर ब्रश मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों ने जो इनके ऊपर बेस इनका तैयार किया है उसके बाद ही ये तैयार होता है। तो देखिए, बेस हमने इनका पूरा तैयार कर लिया है क्योंकि जो मैंने एयर ब्रश से किया था उससे काफ़ी अच्छी इनकी कवरेज हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी दाग धब्बा दिख नहीं रहा है। तो अब जो हम यूज़ करेंगे वो हम डर्मा का फिक्सर पाउडर यूज़ करेंगे। बस हमें यही करना होता है जब हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं तो हमें फिक्सर पाउडर यूज़ करना होता है। देखिए, इस तरीके से फिक्सर पाउडर निकलता है और मैं इसको इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। आंखें पाउडर तो देखिए, अब हमने ये इनका फेस बिल्कुल फिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं ब्राइडल में इतनी कवरेज इनफ होती है, इससे ज़्यादा कवरेज आप ना करें। तो अब मैं इनकी आईब्रो फिल करूँगी। पहले वैसे हम लोग देखिए ADS से ये मैं जेल लाइनर ले रही हूँ। ADS काफ़ी अच्छा होता है और बहुत अच्छे से आईब्रो भी फिल करता है और इसका जो लाइनर है वो भी ब्राइडल के लिए बहुत बढ़िया होता है। आप मैबलिन वगैरह का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैबलिन वगैरह का नहीं कर सकते। तो देखिए, इतनी कवरेज बिल्कुल इनफ होती है। इसके बाद आप कॉन्टोर वगैरह कर सकते हैं अपनी स्किन पे, बट मैं पहले इनकी आईब्रो फिल करूँगी उसके बाद मैं इनके कॉन्टोर वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, आईब्रो फिल करने के लिए मैं नॉर्मल ब्रश ले रही हूँ जो मैं हमेशा लेती हूँ।
आपको अगर अपनी आईब्रो हल्की फुल्की डार्क वगैरह लगे तो आप देखिए इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, तो आपका बिल्कुल इवन हो जाएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं आईब्रो कितनी अच्छी लगने लगी है। तो देखिए अब मैं इनके कॉन्टोर स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यही कॉन्टोर ले रही हूँ, पाउडर कॉन्टोर। आप क्रीम कॉन्टोर भी ले सकते हैं, बट पाउडर कॉन्टोर से भी बहुत अच्छा ब्राइडल तैयार हो जाती है, क्योंकि इनके फेस पे इतनी ज़्यादा कॉन्टोर की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैवलीन का, काफी अच्छा हाइलाइटर होता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें इसे इनकी देखिए नोज एरिया में करना है, लिप्स एरिया में करना है, और आईज के, खोलो बेटा, ये देखिए इस तरीके से हमें इस एरिया में करना होता है। इससे क्या होता है हमारी जो मेन हाइलाइटर पॉइंट होते हैं वो हमारे हाईलाइट हो जाते हैं और बहुत उभर के दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसको। तो देखिए मैं कलर बाल का ब्लशर ले रही हूँ और ये काफी अच्छा ब्लशर होता है और अब मैं इनके यूज करूंगी इसको। थोड़ा स्माइली फेस करो। तो देखिए इस तरीके से लाइट ही लेते चलेंगे, पहले डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डार्क मेकअप हो जाता है तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम आती है ठीक करने में। लाइट होता है तो क्या होता है हम दोबारा में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लशर वगैरह दोबारा नहीं लग सकता। आप एक बार लास्ट में टचिंग करिए उसके बाद ब्लशर लगाइए, बहुत अच्छा ब्लशर लगता है। तो देखिए ये मैं शिवाना का ले रही हूँ हाइलाइटर और मैं इसी से इनकी आईज को हाईलाइट करूंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से और अब हम इनकी आंखों पे शेड देना स्टार्ट करेंगे। देखिए मिस रोज का आई शेडो पैलेट है 3D, काफी अच्छा पैलेट होता है और ये मैट में है क्योंकि ये बहुत अच्छे से इनके इस पे ना कलर देगा। तो हमें रेड ही उठाना है पहले, ठीक है, और बहुत लाइटली देखिए आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है। और ऐसे ही हम दूसरी आईज पे स्टार्ट करेंगे। देखिए शिवाना का आई शैडो पैलेट है और अब मैं इसको यूज कर रही हूँ। अभी मैं इसमें से ये थोड़ा ग्लिटरी वाला शेड है, देखिए मैं इसमें से गोल्डन शेड ले रही हूँ और हल्का हल्का मैं इनकी आईज पे गोल्डन दूंगी। बहुत कम प्रोडक्ट के साथ काम करें, अगर आपने एक बार में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो फिर बहुत दिक्कत आती है ठीक से उसको करने में। तो पहले आप बहुत लाइट लाइट लगाएं और उसके बाद आप देखिए इस तरीके से हमने इनकी आंखों पे दो शेड के साथ काम कर लिया है। देखिए ये कलर एसेंस के आई शेडो हैं और ये बहुत अच्छे आई शेडो होते हैं, तो मैं इसमें से गोल्डन ले रही हूँ और देखिए मैं गोल्डन से इनकी आईज के अंदर काम करूँगी इस तरीके से। बहुत अच्छे होते हैं ये और काफ़ी पिगमेंटेड होते हैं। अगर हम लोग देखिए कितने कम उसके साथ में मैंने ब्राइडल आईज तैयार कर दी हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत हार्ड वे में जब समझाया जाता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो सही से समझ में नहीं आती है सीखने वालों को भी, और जो कर रहा है उसको तो ऑलरेडी क्योंकि पता है किस तरीके से होगा, बट किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हार्ड वे में अगर कोई बताता है तो नहीं समझ में आता है कि क्या होना है। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी आईज कर दी हैं। देखिए अब मैं ADS का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं ब्रश से, आपने पूछा था मुझसे कई बार कि ये आप क्या यूज़ करती हैं, तो ये मैं वो लाइनर होते हैं जो लिक्विड लाइनर होते हैं उनको मैं, उनका जो ब्रश बच जाता है, मतलब कि आजकल स्केच लाइनर काफ़ी चल रहा है तो जो उसका बच जाता है, मतलब ख़राब हो जाते हैं जब नहीं निकलता उससे कलर, उसके बाद जो बच जाते हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जेल लाइनर इससे लगाना,
और बहुत इजी भी होता है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हार्ड के तरीके से ना सीखें, क्योंकि फिर डर लगता है कि पता नहीं किस तरीके का होगा। बहुत इजी वे में चीज़ों को सीखें। अब देखिए मैंने जेल लाइनर इनके लगा दिया है, और ब्राइट के क्या होता है बहुत मोटी मोटी आँखें क्योंकि हमें बनानी होती हैं, तो काफ़ी अच्छे से जेल लाइनर लगाना होता है। मैंने इनके ऊपर दोनों साइड में लाइनर लगा दिया है, अब हम इनके नीचे लाइनर लगाएंगे। उठाओ बेटा ऊपर, देखिए कॉर्नर मिलाने होते हैं हमें ब्राइट के साथ में। सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि हमें कॉर्नर मिलाने हैं और आईज थोड़ी बड़ी बड़ी बनानी है, ठीक है। तो देखिए अब मैं काजल इनके फिल कर रही हूँ। उठाओ, आप यहाँ पे वाइट कलर का काजल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ब्लैक ही यूज कर रही हूँ क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मैं हुडा ब्यूटी की आईलैसेस, और ये हुडा ब्यूटी का ही कलर यूज कर रही हूँ, मतलब जो इसको चिपकाने के लिए आता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये यूज कर रही हूँ। और दिखाते हैं आपको भी, मैं कलर एसेंस की लिपस्टिक लगा रही हूँ। डार्क कलर है ये काफी, और ये नंबर है 4, काफी अच्छा कलर है और मैं अभी यूज करूंगी। देखिए मैं लिप लाइनर नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप लोग आउटलाइन नहीं करती हो, आप इतने साल इस फील्ड में हो गए हैं तो अब आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आउटलाइन करने का सबसे मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि हमारे हमें ना एक शेप चाहिए होती है होठों की, और वो हमारी हमें पता चल जाती है आउटलाइन करने से। मस्कारा यूज कर रही हूँ, ठीक है। हम इसको मस्कारे को यूज करेंगे, और इनका ऑलमोस्ट डन हो गया है मेकअप। बीच में रखो, मस्कारे को नीचे की पलकों से मिला के लगाना, ऊपर करना। ऑलमोस्ट डन है, हल्की सी टचिंग बची है, वो हम लास्ट में करेंगे। उसको टचअप को मैं आपको बता दूंगी क्या होता है टचअप, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिस टाइम पे होगा, क्योंकि हमें तो टचअप मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। बट पहले हम इन लोगों की जो इनकी ज्वेलरी बना देते हैं और इनका हेयर स्टाइल कर देते हैं। तो हमने हेयर स्टाइल तैयार करना शुरू कर दिया है। तो देखिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ हेयर स्टाइल दिखाने की भी, कि इसके साथ में हेयर स्टाइल हम किस तरह करें। हालांकि मैं हेयर स्टाइल की वीडियो अलग से डालूंगी, डोंट वरी, बट मैं आप लोगों को पूरा दिखाने के लिए कर रही हूँ। हाथ इतने बड़े हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, नहीं आएंगे। पता कितनी क्यूट सी है, सुमन से पूछा। गोलू मोलू आपकी तरह, गोलू मोलू बड़ी क्यूट सी है। हाँ मैं अभी तो पूछ, चूड़ी पहन रहा है, कह रही कुछ ना कुछ जरूर आएगा।
जूड़े के पिन भी दे दो, ऊपर को उठाओ। उसमें शीशे में कितनी प्यारी लग रही है। चलो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा। तो अभी हम इनकी कपड़ों की रैपिंग स्टार्ट करेंगे। जूड़े पे मैं इतना ही काम कर रही हूँ। क्या होता है, जो ब्राइडल हम लोग वैसे तैयार करते हैं, वो लोग रियल फूल वगैरह लेके आते हैं अपना, तो उन लोगों के हम वो चीज़ें लगा देते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि अब हम इनकी चुन्ने की रैपिंग कर रहे हैं। और मैंने बहुत सिंपल सोबर मेकअप किया है। इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट जितने भी यूज़ किए थे वो कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब मैक के प्रोडक्ट हैं। और जो एयर ब्रश से इसकी मैंने वो की थी, मतलब जो इनका जो बेस मैंने एयर ब्रश से तैयार किया था वो भी सारा क्रायलोन का था। वो मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इसी तरीके से देखिए ब्राइडल मेकअप आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी हार्ड नहीं होता है, बट क्या होता है कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा उसको हार्डली बता देते हैं, फिर आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत ईजी होता है, बस बेस अच्छे से तैयार करिए आप और आँखों वगैरह पे अच्छे से काम करिए। ज़्यादा लीपापोती नहीं करिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें कर देंगे काम। अब क्या होता है, मैं आपको एक बार HD मेकअप और दिखाऊंगी। और मेरे पास आ रहा था कि स्टूडियो फिक्सर मेकअप भी बताइए आप, तो मैं HD स्टूडियो फिक्सर ये सारे मेकअप आपको दिखाऊंगी। बस प्रोडक्ट का फ़र्क होता है। आप सोचें कि मतलब HD मेकअप में पता नहीं क्या होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली फॉर प्रोडक्ट का फ़र्क होता है, यूज़ करने का तरीका सेम ही होता है। तो आप लोगों की क्योंकि ब्राइडल के लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं, इनकी चुल्ली की रैपिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है। और बस इनको सिर्फ हम पल्ला देंगे। इसमें आप डबल दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनके साथ हम डबल दुपट्टा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्राइड ऑलमोस्ट डन है। और आप इनकी आई मेकअप भी देख सकते हैं और इनका पूरा ओवरऑल लुक देख सकते हैं। तो हल्की फुल्की जो कमी बची है वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बस इनके दुपट्टा जाएगा सर पे, बाकी ये ऑलमोस्ट डन है। और ये बिल्कुल न्यूट्रल मेकअप था, इसमें मैं कुछ भी HD नहीं है, ये स्टूडियो भी नहीं है, ये मैंने आपको न्यूट्रल मेकअप करके दिखाया है। और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मेकअप लाती रहूँगी। बट आप वेट करिए, यू नो टाइम लगता है इन सब चीज़ों को क्रिएट करने में। और आज भी देखिए पार्लर मैंने पहले बंद कराया है अपना, और ये मैं रात में शूट कर रही हूँ और मेरा पूरा स्टाफ रात में रुका हुआ है। एटलीस्ट 9:30 के करीब इस टाइम हो रहा है आज, और हम अभी तक हैं और अभी हमें 1-1.5 घंटा और लग जाएगा क्योंकि हमें और भी वीडियो शूट करनी है। तो इस तरीके से ना आप लोग प्लीज़ वेट करिए और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मेकअप लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी मैं इसको नहीं ख़त्म करने वाली हूँ, अभी मैं आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए इनके हमने दुपट्टा सेटिंग भी कर दी है। और कुछ लोग, ये तो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आगे ज़्यादा लेना है दुपट्टा के, नहीं बाकी हमने इनके ज़्यादा दुपट्टा आगे नहीं लिया है। और डबल दुपट्टे का भी मैं आपको मेकअप दिखाऊंगी आगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए ये हमारी ब्राइड का ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं। और नीचे करो बेटा आँखें जी, देखिए ये हमारा आई मेकअप है और इस तरीके से हमने इनका तैयार किया है, देख सकते हैं आप। काफ़ी बेटर लग रहा है, और काफ़ी बेटर क्या, बहुत अच्छी लग रही हैं, एकदम से मेकओवर टाइप का हो गया है इनका। तो इन लोग, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी भी लग सकती हूँ। हालांकि इनके ऊपर मैंने काफ़ी सारे मेकअप दिखा दिए हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से ये ब्राइड हमने तैयार किए हैं, और ये हमने इनका हेयर स्टाइल लिया है इस तरीके से, और ये इनकी आईज़ ली हैं। करना बेटा नीचे को आँखें, ये देखिए ये इनका आई मेकअप है और ये इनका फेस का पूरा मेकअप है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।